राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में पीएम मोदी ने दे रहे हैं जवाब, राज्यसभा बोल रहे हैं। और आज भाजपा कच्छ से कन्याकुमारी तक मौजूद हैं मोदी। हमने राज्यों को विकास के लिए खुले हाथ से पैसा दिया, मोदी का कहना है। हमारी सारी योजनाएं देश के गरीबों के लिए हैं, मोदी ने कहा। एनडीए की दर्जनों योजनाओं का नाम बदलकर कांग्रेस ने श्रेय लिया है। और ये भी कहना है मोदी का, प्रोजेक्ट मंजूर करने के लिए 60 दिन तय किए गए। यूपीए ने विदेश रक्षा सचिव को हटाया था, ये भी मोदी का कहना था। इतना ही नहीं जो कॉल ऑक्शन हुआ है उसके कारण जो पैसा आने वाला है वो भी स्टेट के पास जाने वाला है। अब तक 19 कोल माइंस का ऑक्शन हुआ है और 1,00,000 करोड़ से ज्यादा रकम उसमें निकली है। ये रुपया भी इन राज्यों के पास जाने वाला है। आज हिसाब बैठता है कि राज्यों के पास टोटल जो अमाउंट है उसका बल्क 62% राज्यों के पास होगा, सिर्फ 38% केंद्र के पास होगा। एक पूरी स्थिति बन रही है प्लीज, और इसलिए यू नो द प्रोसीजर्स। कुछ लोग कहते हैं रिज्यूम योर प्लेस, ही इज नॉट कंसीडिंग। यू नो द प्रोसीजर्स। आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। इतना ही नहीं, यहां पर विदेश नीति की भी चर्चा हुई है। विदेश नीति में ये बात सही है, आपको विरासत में मिला है, मैं आपकी चिंता से आपको विरासत में मिला है। भाई बैठ जाइए। अरे भाई बैठ जाइए आप प्लीज। विदेश नीति की चर्चा हुई, प्लीज बैठ जाइए। विदेश नीति में दिस इज नॉट योर टाइम, प्लीज सिट डाउन। दुनिया के डोंट इंटरवीन। आज हम मान के चले दुनिया की पहले की जो स्थिति थी, मिस्टर येचुरी प्लीज, दुनिया की जो पहले की स्थिति थी, भाई बैठ जाइए। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? आज दुनिया अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। प्लीज रिज्यूम योर प्लेस। पहले जिस प्रकार से प्लीज जिस प्रकार के खेमे थे दुनिया में, वो खेमे का रूप बदल गया है। यू हैड योर भारत के हितों की सुप्रीम रक्षा, यही हमारे विदेश नीति के केंद्र बिंदु में है। सभी सरकारों के लिए भी वही केंद्र बिंदु में होता है और उसी को लेकर के और दुनिया की सभी शक्तियां भारत के महात्मय को समझे। और मैंने चुनाव के पहले भी कहा था और चुनाव के बाद भी कहा था, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहा था, वैश्विक संबंधों के संबंध में हमारी सोच साफ है कि हम दुनिया के साथ अपने रिश्ते बनाना चाहते हैं, पड़ोसियों के साथ विशेष गहरे संबंध हम बनाना चाहते हैं। और हमने ये भी कहा था कि हम दुनिया के साथ अपने रिश्ते बनाएंगे, दुनिया के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम आंख झुका करके जीना पसंद नहीं करते और आंख दिखा करके भी दुनिया के संबंध नहीं बनते हैं। इसलिए हमारा रास्ता है आंख मिला करके दुनिया में भारत का स्थान। इसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और आप सबको खुशी होगी, अभी अफगानिस्तान से फादर प्रेम का वापस आना आतंकवादियों के कब्जे से, ये छोटी घटना नहीं है। और पिछले 9 महीने में दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में फंसे हुए 12,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को वापस लाया गया। हमारे केरल की हमारी नर्सिस बहनें, आतंकवादियों से वापस क्या होगा सबके लिए सांस अद्धर हो गए थे, वो वापस लाने में सफलता मिली है। और इतना ही नहीं, टिकट देकर के यहां तक लाना और उनके होम स्टेट तक जाने के लिए विमान की टिकट देने तक का प्रबंध इस सरकार ने किया है। और इसलिए विश्व में भी रहने वाले, दूसरी एक व्यापक चर्चा जम्मू कश्मीर को लेकर के हुई है।
मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर बनी है और सरकार चलेगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर। किसी के बयान से हम उसका समर्थन कतई नहीं कर सकते। आतंकवाद के संबंध में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ ये सरकार आगे बढ़ेगी और इसलिए और हम कहीं पर भी कोई बयान दे और हम यहां पर उसके जवाब देते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि हम सही दिशा में नहीं जाएंगे। हमारी नीतियां, हमारे योजनाएं क्या है, उसी योजनाओं को लेकर के हम चल रहे हैं और इसलिए ऐसी बातें मैं साफ मानता हूं कि कश्मीर के मतदाताओं ने न सिर्फ लोकतंत्र की आन बान शाम को बढ़ाया है लेकिन जो दुनिया भर में भ्रम फैले हुए थे कश्मीर के बाबत में, इन सारे भ्रमों को निरस्त करने का काम सर्वाधिक मतदान करके कश्मीर के मतदाताओं ने पूरा किया है और इसलिए हिंदुस्तान जिस बात की वकालत पिछले 50 साल से कर रहा था उसको थप्पा मारने का काम कश्मीर के नागरिकों ने किया है। हम उनकी जितनी बधाई करें उतनी कम है और मैं उनका कश्मीर के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं और हमारा भरोसा कश्मीर के नागरिकों के प्रति है और कश्मीर के नागरिकों के भरोसे के प्रति हम देश की एकता बैठ जाइए हम देश की एकता और अखंडता के साथ हम देश की एकता और अखंडता के साथ प्रतिबद्ध जैसे लोग हैं और इसलिए मैं फिर एक बार इस सदन के माध्यम से आदरणीय सभापति जी आपके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर के लिए हिंदुस्तान के सदनों ने जो प्रस्ताव पारित किए हुए हैं उसको लेटर एंड स्पिरिट से फॉलो किया जाएगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यह मैं विश्वास दिलाता हूं देशवासियों को। मैं फिर एक बार सदन को प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलकर के सर्वसम्मति से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण जी को धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें और मैं सबका धन्यवाद करता हूं। दिस कंक्लूड्स द दो चीजों का माननीय आई डोंट थिंक न डाला जाए। कानून के तरीके से ही देश चलना चाहिए, कानून के दायरे में चलना चाहिए और इसलिए यहां पर यह भी बात होती है कुछ नया नहीं है, योजनाएं पुरानी हैं। सवाल मैंने उस सदन में भी कहा था, इस सदन में मुझे दोहराना पड़ रहा है, योजनाएं नई हैं पुरानी हैं ये विवाद हमें दूर तक ले जाएगा, मुद्दा समस्याएं पुरानी हैं, चिंता समस्याओं की है, समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने की है और हम इस बात के विचार वाले नहीं हैं कि हम यहां बैठे हैं इसलिए ईश्वर ने सारा ज्ञान हमको दिया है, ये सोच हमारी नहीं है। हम में भी 50 कमियां हैं लेकिन हम मिल बैठ करके कमियां को पूरी कर सकते हैं और लोकतंत्र की यही तो ताकत है, कोई पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता, सब मिलकर के पूर्ण होने की संभावना दिखती है और फिर भी शायद ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो कुछ कम भी रह जा सकता है और इसलिए ये सोच हमारी नहीं है। इस सदन ने कभी ये नहीं सुना होगा और मैं शायद सच निकलूंगा, इस सदन ने कभी ये नहीं सुना होगा कि ट्रेजरी बेंच पर बैठ करके जो आज वहां बैठे हैं उन्होंने कभी ये कहा हो कि इस देश को आगे बढ़ाने में किसी औरों का भी योगदान था। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।